कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्विगी टाइप की जो वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड का हो या फिर आपका ISO का हो, दोनों तरह की जो मोबाइल एप्लीकेशन वेबसाइट है, क्या इस तरह की वेबसाइट अपना कंपनी बना सकते हैं, क्या इस तरह की जो प्लेटफॉर्म है जो चाहे ISO के लिए हो या फिर एंड्रॉइड के लिए, क्या इस तरह की चीजें हम भी बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अगर आप डेवलप कर सकते हैं तो क्या कॉस्ट आ सकती है, किस टाइप से डिजाइन होगा, तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज के इस रिव्यू वीडियो में जानेंगे। तो जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूँ एक जबरदस्त रिव्यू वीडियो। इस रिव्यू वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक मल्टी रेस्टोरेंट अगर आपको बनाना हो तो वो मल्टी रेस्टोरेंट किस तरीके से आप बना सकते हैं। घर पे बैठे रहेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। जी हाँ, अगर आप इस दौरान भी आप चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए पहले पाइए का हिस्सा बनिए। वेबसाइट है ये PHP लारावेल से इसके बैकएंड बने हुए हैं, और जबकि इसके एंड्रॉइड के जो है ऐप भी अवेलेबल है, साथ साथ ISO के भी ऐप अवेलेबल है। आपको जो भी चाहिए को आपको सब चीज मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी यहाँ पे जो दिखाने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे वेबसाइट प्लस एंड्रॉइड ऐप दिखाने वाला हूँ, और सेम एंड्रॉइड ऐप की तरह से भी आपका ISO ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं, जब हम स्विगी वेबसाइट ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये मांगता है कि आप जो है अपना पिन कोड डालिए या फिर अपना एरिया कोड डालिए, एरिया नाम डालिए। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे तो पिन कोड डालने के टाइम ही आपके पास ये पूरा एरिया जो आपने आपके एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट जितने भी चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम यही डिजाइन है आपका फूड टाइगर का भी। फूड टाइगर का सेम यही डिजाइन है। जब आप साइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखने दिख रहा होगा इसी जगह में अवेलेबल है, इसी सिटी में अवेलेबल है, तो इस तरह का दिखाएगा आपको। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पिन कोड आप डालेंगे एड करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कोई सा भी एरिया है तो कुछ भी एरिया में अगर आप चाह रहे हैं तो आप एरिया का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे एज ए डेमो पर्पस के लिए दिया हुआ है, आप एड्रेस डालें या पिन कोड डालें उस एरिया के अकॉर्डिंग ये आपको आ जाएगा। ठीक है, सपोज कि मैंने यहाँ पे अभी पिन कोड किया, इसमें दो ऑप्शन है, एक पिकअप का भी ऑप्शन है साथ साथ डिलीवरी का भी ऑप्शन है। जबकि आप अगर स्विगी की बात करेंगे तो स्विगी में शायद कोई सिस्टम दिया हुआ नहीं था, ना पिकअप की ना इसकी, उन्होंने डायरेक्ट आप एंट्री दे दिया। ठीक है, बट यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पिकअप लेना चाहें तो पिकअप भी ले सकते हैं, और साथ साथ जो आप डिलीवरी लेना चाहे डिलीवरी भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। ठीक है, तो ये देखे कितना का अभी क्या है, वो सारे रेस्टोरेंट आ चुके हैं सेम आज से उसी टाइप से जिस तरीके से आपको स्विगी का है। ठीक है, हाँ, जहां तक रही बात की है जैसे हाइवेवर लगाएगी तो आप हाइवेवर भी उस तरह से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये इस तरह से आपने अभी रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, रेस्टोरेंट के अंदर क्या क्या मेन्यूज है वो मेन्यूज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा मेन्यूज है, इसी आपका फ्रेश पास्ता है, और यहाँ पे आपका ये सलाद का आइटम्स है, और यहाँ पे आपको जो मिलेगा पिज्जा का आइटम मिलेगा। तो सेम इस तरह से अगर आप प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए, ऐड टू कार्ट कीजिए, ऐड टू कार्ट करने के बाद सेम इस तरह से अगर आपको पिज्जा का भी ऑर्डर करना है तो पिज्जा के अंदर भी स्मॉल लेना है या मिनिमम लेना है, लार्ज लेना है, फैमिली वाले लेना है, जो लेना है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करते ही आप उसमें कोई अगर डिजाइन हो कुछ हो तो उस चीज भी आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम यही चीज आपको वहां पे भी मिलेगा, स्विगी के अंदर भी मिलेगा। स्विगी के अंदर जैसे आप ओपन करेंगे तो ओपन करते हैं वहां पे ऐड टू कार्ड का ऑप्शन आ जाता है, सेम इस तरह का ऐड टू कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फूल हाफ इस तरह का भी ऑप्शन है, मल्टी ऑप्शन आ जाता है, सेम वही डिजाइन आपको यहाँ पे फूड टैगर के अंदर भी मिलेगा। इसी तरह का अगर आपको दूसरा आइटम लेना हो कोई दूसरा आइटम पे आप क्लिक करेंगे सिंपल का एकदम बिल्कुल, उसके बाद आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन देगा, सेम एज उस तरीके से जिस तरीके से आपका स्विगी का है। स्विगी में भी इन्होंने साइन अप का ऑप्शन दे रखा है और आपका यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दे रखा है, सेम एज इसी तरह का यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अभी गूगल से भी कर लेता हूँ एज ए साइन अप। अगर आप गूगल से नहीं करना चाह रहे तो आप जो है डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, मेल से भी करना चाहें
तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी एज अ टेस्ट पर्पस के लिए मैं यहाँ पे गूगल से कर लेता हूँ। तो जी हमने इसमें लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद ये देखा कि इस तरह का अभी आ चुका है। अभी ये ऑर्डर हमारे कार्ट के अंदर ऑलरेडी है, तो मैं इसमें अब चेकआउट कर लेता हूँ। चेकआउट करने के बाद एक और आपको इस तरह का दिख जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत सा लेआउट है, लेआउट बड़ा जबरदस्त है, सेम एज इट इज जिस तरीके से आपको स्विगी का दिख रहा है, ठीक है। स्विगी में इस तरह से इधर आपका प्रोडक्ट की डिटेल है और इधर आपके अपने पर्सनल डिटेल है, सेम एज इट इज उस तरह से यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट डिटेल दे रखी है। और यहाँ पे आपका जो चेकआउट डिटेल है, ये आपके प्रोडक्ट की डिटेल है, ठीक है, सेम वही चीज है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे चूज करना है आपका टाइम स्लॉट। यहाँ पे हमने क्या डिलीवरी लेना है, पिकअप लेना है, तो हमने ये पिकअप चूज कर रखा है। यहाँ पे आपका टाइम स्लॉट आ गया, आप जो भी टाइम स्लॉट रखना चाहे वो रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया, आप एड्रेस ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, या जो पहले से ऐड है वो भी चीज आप किया है। ये जो रेस्टोरेंट की इन्फॉर्मेशन है, ये रेस्टोरेंट है जो ओपन है, इसमें का आप अपना एड्रेस ऐड करेंगे, कोई भी सिंपल सा एड्रेस, अपना जो भी एड्रेस होता है आप वो एड्रेस अपना ओपन कीजिए इसमें। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल से एड्रेस मैंने डाल दिया, ये देखिए अब एड्रेस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका ले लिया। और यहाँ पे हमने एक डाल दिया अपना नंबर, यहाँ पे फ्लोर डालना है तो आप फ्लोर भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ये इसका डिस्काउंट कर दीजिए। सेव सेव करने के बाद अब इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर। हाँ, यहाँ पे अगर आप चाहें तो मेल आईडी से भी लॉगिन ले सकते हैं, साथ साथ जो है आप इसमें वेबसाइट, अगर आप ओटीपी के थ्रू लॉगिन लेना चाहें तो भी पॉसिबल है, वो चीज की जा सकती है। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आपका लॉगिन फॉर्म है, आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जी हमें यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर भी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई भी मेरा नाम टेस्ट, इसके बाद में ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया, मैं इस काम को रजिस्ट्रेशन। जी सर, तो यहाँ पे हमने क्या ओपन की थी वेबसाइट, और वेबसाइट हमने देखा था, जो वेबसाइट अगर मोबाइल में आप देखना चाहें तो मोबाइल में आप देख सकते हैं, मोबाइल में बड़ा रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो इस तरह के अगर आप उसको किसी भी रेस्टोरेंट के अगर मेन्यू देखना, यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सही। हाँ, बात कर लेते हैं हम कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स किस तरीके हैं, ठीक है, तो वो चीज हम पहले देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि इसका जो एडमिन पैनल है, यहाँ पे आपको सारे चीजें दी हुई हैं, आपको जो चाहे वो आप यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यूजर क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एज ए एडमिन पैनल क्या है, ऑनर पैनल क्या है, इस तरह काम करेगा, मैं एक कदम आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ एडमिन पैनल की तरफ और उसमें देखता हूँ कि कितने तरह के फीचर्स अवेलेबल हैं और कितने तरह की चीजें आप इसमें कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप इसमें कर पाएंगे, फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं लॉग इन कर ले एडमिन पैनल पर। जैसे एडमिन पैनल पर आप लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करते ही इस टाइप से आपको एक डैशबोर्ड दिख जाएगा, बड़ा खूबसूरत सा डैशबोर्ड है। अब ये डैशबोर्ड का आप देख सकते हैं, ये कितने रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका सेल्स वैल्यू मिल जाएगा कि लास्ट 30 डेज में कितना सेल्स वैल्यू हुआ है। हाँ, ये रेस्टोरेंट कितनी है, व्यूज कितने हुए हैं, डिलीवरी के लिए चार्जेस लास्ट हुए हैं,
वो कितने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टैटिक की अगर कोई डायनेमिक की अगर जा रहे हैं तो उसके लिए सब चीजें दिखेगा। साथ साथ ये भी आपको यहाँ पे दिखाएगा कि कितने जगह में स्टूडेंट अवेलेबल हैं विद गूगल के लाइव लोकेशन के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको एक सेल्स वैल्यू मिलेगा ग्राफ की शक्ल में। ये चीजें आप गूगल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हम अगर बात कर लें किसके डैशबोर्ड की, तो ये एक फंक्शनैलिटी की, तो वो हमें आप देखते हैं कि आप ऑर्डर के सेक्शन पे ऑर्डर देखेंगे, इस टाइप से आपका ऑर्डर आएगा कस्टमर का। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर दिखेगा आपको, इस ऑर्डर में से किसी को भी अगर आप चाहते हैं असाइन करना चाहते हैं, सिंपल ऑप्शन है, आप असाइन पे क्लिक कीजिए और ड्राइवर का नाम चूज कीजिए और उसको असाइन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप किसी को प्रोडक्ट को देखना है या प्रोडक्ट आप देखना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाह रहे हैं डे बाय डे, ये इतने डेट से इतने डेट तक हमें आपको फिल्टर करना है तो भी आप कर सकते हैं, या किसी पार्टिकुलर रेस्टोरेंट को आप फिल्टर करना चाह रहे हैं तो भी आप किसी पार्टिकुलर रेस्टोरेंट को फिल्टर कर सकते हैं, या उस पार्टिकुलर रेस्टोरेंट पे कितने ऑर्डर आया नहीं आया सब कुछ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप एक्सेल शीट में आपका ये रिपोर्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना डिलीवर हुआ है नहीं हुआ है और कितने कौन से ड्राइवर ने डिलीवर किया है नहीं किया, इसका एक्सेल शीट में आपको रिपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत से एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का सेक्शन है, यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट का नाम आ गया, यहाँ पे रेस्टोरेंट की आईडी आ गई, यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट का टाइम स्लॉट है। अगर कोई रेस्टोरेंट ऐसा करता है कि वो उन्होंने ऑर्डर आया बट उन्होंने डिलीवर नहीं किया, तो जब आप रिपोर्ट निकालेंगे तो इसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिपोर्ट देखेंगे किस तरीके से आएगा। अब रही बात ये कि जो लाइव ऑर्डर है, ऑर्डर कितने आए हैं नहीं आए हैं, कौन एक्सेप्टेड है कौन नॉन एक्सेप्टेड है, कौन अभी हो चुका है कौन है नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये न्यू ऑर्डर है कि जो अभी के यहाँ डिटेल आप देखना चाहें, अभी का डिटेल आप देखना चाहें बिल्कुल देख सकते हैं, पूरा सब कुछ देख सकते हैं, इसका एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है ये चीजें आप कर सकते हैं, ऑनर पैनल के अंदर ये चीजें अवेलेबल है। इसके अलावा कितने ऑर्डर एक्सेप्टेड हुए हैं नहीं हुए वो यहाँ दिख जाएगा, और कितने डन हुए हैं वो आप यहाँ पे लिस्ट देखें। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको डिजाइन मिल जाएगा, लिस्ट मिलेगा। इसके अलावा आपका ड्राइवर है, कितने ड्राइवर आपके पास है, कौन से इसमें किस रेस्टोरेंट के लिए कौन से ड्राइवर को लेना चाहते हैं, तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कर सकते हैं। कोई ड्राइवर ऐड करना हो तो ड्राइवर ऐड करना बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, यानी डिलीवरी बॉय अगर कोई ऐड करना चाहे बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, यहाँ पे ड्राइवर का नाम डालेंगे, मेला भी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जस्ट इसको क्या करेंगे सेव कर देंगे। ठीक है, सेम यही चीज है अगर आप उसमें क्लाइंट का देखेंगे तो क्लाइंट में आपको यहाँ पे इस टाइप से आपको क्लाइंट दिखेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात कर ले आगे की, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट कितने हैं वो सब आप रेस्टोरेंट यहाँ लिस्ट मिल जाएगा। रेस्टोरेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप इसमें इम्पोर्ट फ्रॉम सीएसवी, आप सीएसवी फाइल भी इम्पोर्ट इसमें कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। हाँ, रेस्टोरेंट अगर आप पार्टिकुलर रेस्टोरेंट आपको ऐड करना हो तो आप जस्ट ऐड पे क्लिक करेंगे, रेस्टोरेंट का नाम डालेंगे, ओनर का नाम डालेंगे, रेस्टोरेंट की मेल आईडी, रेस्टोरेंट का फोन नंबर एंड जस्ट इसको सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से जो एड्रेस वगैरह है रेस्टोरेंट का जो एड्रेस होगा वो रेस्टोरेंट के पैनल पर खुद उसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब रिव्यू की बात आ रही है, रिव्यू अगर कितने का लोगों ने इसमें रिव्यू किया है, रिव्यू कौन कर सकता है, तो रिव्यू वो करेगा जब क्लाइंट ऑर्डर कर लिया हो, रिव्यू कर सकता है। एक इसमें प्लस पॉइंट है कि अगर कोई क्लाइंट ऐसा है कि अगर उन्होंने किसी ने रिव्यू में कुछ गलत डाला है तो भी आप इसमें डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। सपोज के यहाँ पे मैंने एक डिलीट करके लिखाया। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पे आपके जिसमें कमेंट्स भी मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट जो है उसको आप रख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर आईडी होगी। ठीक, इस तरह से आप सिटी वाइज है, आप मल्टी सिटी इसमें यूज कर सकते हैं, एक साथ कई तरह की सिटी आप ले सकते हैं, एक एक कंट्री में कई सिटी है, एरिया है, आप चाहे एरिया वाइज ले या सिटी वाइज ले या आपकी इच्छा है, बस जस्ट क्या करना है आपको अपना उस सिटी का जो है आपका इमेज डालना हो, इमेज के साथ यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, बस नेम डालना है उसका, सिटी यहाँ पे उसका टाइटल डालना है, उसका एड्रेस का सब टाइटल डालना है, तो इंसर्ट कर देना, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है। इसके बाद कर लेते हैं पेजेस की, अगर आप पेजेस इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे टर्म एंड कंडीशन का है, हाउ टू वर्क का है, इस तरीके बहुत सारे कोई पेजेस ऐड करना चाह रहे हैं, बिल्कुल इजी ऑप्शन है,
जस्ट अपना टाइटल ऐड कीजिए और यहाँ पे अपना कंटेंट डालिए और उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल का है कि अगर इसमें कितने फाइनेंशियल रिपोर्ट है, हुई है नहीं हुई है, कितना हुआ है नहीं हुआ है, सारी चीजें डिटेल के साथ आप इसका देख सकते हैं। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका मल्टी लैंग्वेज, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आप मल्टी लैंग्वेज यूज करना चाहें, चाहे अरेबिक में हो, इंग्लिश में हो, कोई भी लैंग्वेज आप यूज करना चाहें या सेट करना चाहें, तो आप बिल्कुल इजीली आप सेट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इजीली सेट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना डैशबोर्ड को अरेबिक में रखें, तो जस्ट अपना अरेबिक को क्लिक करें, अपना अरेबिक को वैल्यू दो, ये चीजें ऐड करें और उसके बाद उसको सेव करें। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन, ज्यादा कोई नहीं है, आप इसमें कोई से भी लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। इसके बाद रहती है सेटिंग की, क्या वेबसाइट के अंदर जो सेटिंग है, होम पेज के जो डिजाइन है, वो डिजाइन भी अगर आप खुद से करना चाहें तो भी आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये डिजाइन है तो ये डिजाइन भी आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिंपल ऑप्शन है, यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे सारी हेडर डालना, फुटर डालना है, डालने के बाद हाँ यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि गूगल प्ले स्टोर के जो लिंक है ये, या इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर का लिंक आएगा, तो ये जो चीज है ये ऑलरेडी क्या इसमें क्या है, यहाँ पे डालो हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप अपना भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस है, वो इमेजेस जितनी इमेजेस साइट में यूज की गई है वो सारी इमेजेस है, जैसे आपके यहाँ पे लोगो है, इसका ये वाली इमेज है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सब इमेजेस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सेटअप की बात है कि यहाँ पे सेटअप करना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अगर कह रहे तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल यहाँ पे सेटअप है क्या। हाँ, अब यहाँ पे बात आ गई जो पेमेंट का, पेमेंट्स का कौन कौन सा पेमेंट आप गेटवे में लगा सकते हैं, तो पेमेंट गेटवे में कई एक पेमेंट गेटवे, स्वाइप का पेमेंट गेटवे है, साथ साथ पेपाल का भी है। इसके अलावा यहाँ पे एक मोबिली का है, तो पेस्टी का पेपाल है। इसके अलावा क्या है, इसमें अगर कोई दूसरा भी ऐड करना चाहिए जैसे ब्राउजर पे हो गया, जो इंडिया में चलता है, वो भी चीज पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिख लो कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, तो लोकलाइजेशन आप यहाँ पे अपना एरिया चूज कर सकते हैं, अपना लैंग्वेजेस चूज करना चाहिए चूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई जो प्लगइन्स वगैरह है, गूगल सर्विसेज है, नोटिफिकेशन है, तो ये डेवलपर का काम होता है। इसमें कोई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो क्लाइंट आईडी में होता है, गूगल में होता है, फिर यहाँ पे एसएमएस एसएमटीपी सेटअप करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे सीएसएस वगैरह है, ये चीजें ऐड कर सकते हैं, काम होता है। ठीक है, ये था एक ओवरव्यू जो एडमिन पैनल का एक ओवरव्यू था, जिसमें आपको कौन कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे। अगर आप बात कर ले कि रेस्टोरेंट का जो ऑनर क्या है, उसकी चीजों वो किस टाइप से होगा, कौन कौन से फीचर्स उसमें होंगे, यानी जो रेस्टोरेंट जो भी बंदा इसमें ऐड करेगा तो उनको कौन कौन सी चीजों का एक्सेस मिलेगा, अगर आप ये देखना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इजिली। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपका जो रेस्टोरेंट का जो डैशबोर्ड है वो इस टाइप से दिखेगा। रेस्टोरेंट ये के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किस तरीके से अपना ऑर्डर को एक्सेप्ट करे और उसको डिलीवरी बॉय तक पहुंचाए। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, डैशबोर्ड आपको इस टाइप से दिख जाएगा। फिर लाइव ऑर्डर कितना आया है, नहीं आया है, रेस्टोरेंट में कितना एक्सेप्ट किया नहीं किया, उसके बारे में सर्विस डिटेल डिटेल आएगा। ठीक है, जैसे कोई भी ऑर्डर जैसे आया हो तो उसको एक्सेप्ट किया नहीं किया, ड्राइवर में असाइन किया नहीं किया, ऑर्डर टाइम टू प्रीफर्ड इन मिनट, कितने मिनट में ये ऑर्डर हो जाएगा रेडी, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी है इसके अंदर सेव कर दिया जाएगा और सेव करते ही ये जो प्रोडक्ट जो है डिलीवरी बॉय को असाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का रेस्टोरेंट एक बंदा जो है अपना कई एक रेस्टोरेंट ऐड कर सकता है, अपने मल्टीपल रेस्टोरेंट ऐड कर सकता है, वो अपने हिसाब से टाइमिंग ऐड कर सकता है कि किस दिन कितने बजे के ओपनिंग है, कितने बजे उसके क्लोजिंग टाइम है, ये सब कुछ मेंशन किया सकता है। साथ साथ गूगल का मैप भी यूज कर सकता है कि वो किस मैप लोकेशन पे है और डिलीवरी एरिया कौन सी है, वो सब कुछ इसमें पॉसिबल है, यानी डिलीवरी एरिया कौन सी लोकेशन पे करना चाह रहे हैं, आज कौन सी लोकेशन पे करना चाह रहे हैं, सब कुछ अपने हिसाब से वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मेन्यू है कि उनके पास कौन कितने तरह के जो मेन्यूज अवेलेबल है रेस्टोरेंट में, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, अपना ऐड टू कार्ट करना है मेन्यू का, और मेन्यू का ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे मेन्यू का नाम कैटेगरी ऐड हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो भी मेन्यू ऐड करना है बस उसमें जस्ट ऐड दीजिए, आप
फ्राइज लिखे इमेज डालिए और उसको सेव कर दिए, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक आपको मैंने फाइनेंशियल के बारे में बताई दिया जैसे पिछले वाले इस पे ठीक है। इसका शेयर्स का है, अगर वो जो रेस्टोरेंट उसको शेयर करना चाह रहे हैं क्यूआर कोड के थ्रू तो क्यूआर कोड शेयर किया जा सकता है, कर सकता है। यार यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन का एक बार आ जाएगा, आज जब भी कोई ऑर्डर आए तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का आ जाएगा ठीक है। तो ये तो रही कि रेस्टोरेंट का पैनल के हिसाब से रेस्टोरेंट का पैनल के हिसाब से ठीक है। अगर आप देखना चाहेंगे कि ड्राइवर को कैसे दिखेगा तो भी ये पॉसिबल है कि ड्राइवर को कैसे दिखेगा, तो वो चीजें मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर को ये चीजें कैसे दिखेंगी ठीक है। आप जस्ट ड्राइवर को प्लग इसको ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद ये देखिए ड्राइवर का है सेक्शन है, ये ड्राइवर को का आपको मोबाइल ऐप इसका मिल जाएगा ड्राइवर के लिए ठीक है। तो इन सारी चीजों के मोबाइल ऐप है, सब रिस्पॉन्सिव है, चाहे मोबाइल ऐप से करें या वेब से करें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है ठीक है। तो इस तरीके से ये ड्राइवर ऐप का पैनल ओपन हो जाएगा और फिर ड्राइवर ऐप में यहाँ पे इसको दिखेगा कौन सी आपकी रिपेयर है, कौन सी डिलीवर हो गया है, तो ड्राइवर ऐप जाके अपना सामान जो है जैसे पिकअप का ऑप्शन है, पिकअप पे क्लिक करेगा डायरेक्ट ड्राइवर तो यहाँ पे दिखाएगा कि हाँ ये सामान जो है पिकअप हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सामान दिखाएगा पिकअप हो चुका है ऑलरेडी, और इसमें जो ये दिखा रहा है कि ये का रेडी है नोट एक्शन फॉर योर राइट नाउ ठीक है। इस तरह की चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, कर सकते हैं, मैनेज किया जा सकता है ठीक है। इस तरह के अगर हाँ चीजें आप आराम से इसमें कर सकते हैं, यानी आप भी चाहे जो स्विगी टाइप की वेबसाइट, आप इस तरह से जोमेटो टाइप की वेबसाइट एप्लीकेशन अगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं बिल्कुल इजिली। हाँ रही बात अब यहाँ पे कि आप इसको बनाएंगे कैसे, जिसके दो ऑप्शन है, अगर आप डेवलपर हैं, अगर आप चाहते हैं कि बनाना चाहते हैं तो डेवलपर के लिए कहते हैं कि मैं यहाँ से जब कोड अगर बाय करना चाहे तो आप कोड बाय कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बट अगर आप चाहते हैं कि हमसे बनवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसके लिए प्रोवाइड करके देंगे ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, खुदा हाफिज़।